हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। मैं आपको आज नींबू के पौधे के बारे में बताऊंगी। कई लोग कहते थे फल नहीं आते, फूल नहीं आते हैं। फूल तो उसे ये लग गया है पूरा। अब इसको ये हम और अधिक फूल लाने के लिए और इनको फलों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें कि जिससे हमारे फूल झड़े ना, ये सारा दिखाती हूँ। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने बताया था कि पानी कम रखना है। अब हम बताती हूँ कि पहले तो हम इसकी हर 8 दिन में निराई गुड़ाई करते रहें। और मैंने जो इसके ये पत्ते वगैरह डाले थे, तो क्योंकि ठंड बहुत थी इसमें पालना लगे, तो सूखी पत्तियां डाल दी थी कुछ मैंने, ठीक है। अब इसको हम हल्की हल्की वॉटरिंग करते रहना है और इसको हर 8 दिन में फर्टिलाइजर देते रहना है। ऑर्गेनिक मस्टर्ड पीक है, बनाना फर्टिलाइजर वगैरह वगैरह, हम कुछ भी। अब मैं दिखाती हूँ कि हमें इस पे क्या करना चाहिए। इसको इसकी 2 बूंद पानी में डाल करके इन पे अच्छे से स्प्रे कर दें। इसके स्प्रे करने से ये होगा कि इस पे मधुमक्खियाँ आएंगी। हम सारे फूलों को बहुत अच्छे से भिगो देते हैं, तो इसी से मधुमक्खियाँ आएंगी हमारे पौधे पे। और जितनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ आएंगी उतना ही मैं अपने किसी भी पौधे में किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं करती हूँ। ये मेरा सारा ऑर्गेनिक ही है। जैसा कि इसे देखिएगा, मेरे पूरे पौधे पे ही कितने ज़्यादा फूल आ रखे हैं। ये देखिएगा, छोटा सा पौधा है, गमले में ही है, हर ब्रांच पे। और ये फूल सारे ही फलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले तो मैं भी यही सोचती थी कि गमले में इतने फल आ सकते हैं, हाँ, पर मेरी मेहनत रंग ला रही है। और यही कारण है कि मैं अपनी ये जो एक्सपेरिमेंट है आप लोगों के पास भी साझा करती हूँ। अभी हम हर 15 दिन में इसमें फर्टिलाइजर की स्टैम्प बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पौधे में ज़्यादा पोषक तत्व चाहिए। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। कृपया कमेंट्स करते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। और इसीलिए मैं जितने भी मेरे पास नॉलेज है, मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके पास भी साझा करूँ। धन्यवाद।